आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक सरकारी नहर का निर्माण भगवान भरोसे चल रहा है। इस काम को देखने के लिए ना किसी अफसर के पास फुर्सत है और ना ठेकेदार के। मजदूर अपनी इच्छा से नहर का निर्माण कर रहे हैं। नहर निर्माण में नियमों की यहाँ जमकर अनदेखी की जा रही है। पेश है आरती वर्मा की ये रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ घीसरपड़ी खता रोड नियर धर्मूचक, और आपको बता दूं यहाँ पर लघु सिंचाई की नहर जो है बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, और सबसे विचित्र बात जो है वो ये है कि यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई ठेकेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं इन लोगों को बताने वाला कोई नहीं है कि क्या माल लगना है, बेस ऑफ क्वान्टिटी जो है वो क्या डलेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें खता रोड से कि जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर बेस ऑफ क्वांटिटी क्या डलनी है, कितना रेत, कितना सीमेंट जो है डाला जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें खते रोड से। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा पास जाके दिखाएं। जो मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वो एकदम थर्ड क्लास मटेरियल है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या मटेरियल जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे विचित्र बात है कि यहाँ पर कोई ठेकेदार मौजूद नहीं है, इन लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा पास आकर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर मिट्टी मिला हुआ रेत इस्तेमाल हो रहा है। क्या लगता है कि कितने दिन तक ये जो लघु सिंचाई की नहरें हैं बन रही हैं, कितने दिन तक ये टिक सकेंगी? कहीं ऐसा ना हो कि एक ही बरसात में इनकी धजियां उड़ जाएं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात की थी और इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने पेटी पर जो है यहाँ पर काम लिया हुआ है, इनका सिर्फ जो यहाँ पे मजदूर लगे हैं, जो लेबर रेट से इन्होंने काम लिया हुआ है। साफ तौर पे इनका कहना है, ये बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर ठेकेदार जो बेस ऑफ क्वांटिटी देख रहा है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं इन लोगों को किस प्रकार से हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है, बताने से किस प्रकार से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। डोईवाला में लघु सिंचाई नहरों का निर्माण कार्य जारी है। जिन अधिकारियों की देखरेख में यह काम होना है उनके पास साइट पर आने की फुर्सत ही नहीं है। जब अधिकारी मौका मुआयना नहीं करेंगे तो ठेकेदार की तो बल्ले बल्ले होना ही है। ऐसे में ठेकेदार सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर गायब है। मजदूर अपनी इच्छा और समझ से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारी सो रहे हैं, ठेकेदार नदारद है। इसलिए नहर निर्माण में उचित तकनीक का सहारा लेना तो दूर, यहाँ सीमेंट सेट करने के लिए ब्राइवेटर तक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है ब्राइवेटर खराब है इसलिए उसका इस्तेमाल संभव नहीं है। अच्छा, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि वाइब्रेटर कब कब चला रहे हैं आप लोग? वाइब्रेटर तो बेड में चला है। हाँ। अभी फिलहाल वाइब्रेटर खराब हो रखा। वाइब्रेटर जी आप सुन सकते हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि वाइब्रेटर जो है वो खराब हो चुका है। तो कैसे काम चल रहा है आपका बिना वाइब्रेटर? बगैर वाइब्रेटर के चल रहा है। अच्छा, ठेकेदार नहीं है यहाँ पर, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ठेकेदार नहीं है तो अब काम चल ही रहा है। हम लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार तो नहीं है, मिस्त्री हैं। अच्छा, तो आपको बेस ऑफ क्वांटिटी कितना माल डलना है? जो आपके पास चार्ट है आपको दिया हुआ है क्या? आपके पास इस वक्त चार्ट है? चार्ट नहीं, चार्ट ठेकेदार के पास। तो आप क्या अंदाजे से डाल रहे हैं माल? क्योंकि मैं देख सकती हूँ, कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा घुमा के दिखाएं कि काम जो है पूर्ण रूप से जारी है, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके पास बेस ऑफ क्वांटिटी का चार्ट नहीं है और क्या माल डलना है बेस ऑफ क्वांटिटी इन लोगों को नहीं पता। तो कब आएंगे ठेकेदार आपके? ठेकेदार को देखो, फ़ोन तो करा है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कितने दिन हो गए यहाँ पर काम लगे हुए? काम लगे हुए तो यहाँ पे चौथा दिन है। चौथा दिन है तो ठेकेदार कितने दिन तक थे यहाँ पर? दो दिन तक थे। अच्छा, दो दिन से ठेकेदार नहीं है। आप देख सकते हैं कि ठेकेदार जो है यहाँ पर केवल दो दिन ही आए हैं, उसके बाद ठेकेदार जो है यहाँ से लापता है वो नहीं है। कोई अधिकारी आए हैं आपके देखने के लिए? कोई अधिकारी की भी यहाँ पर एक बार भी उपस्थिति जो है नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि काम जो है जारी है, लेकिन ना वाइब्रेटर, इनका साफ तौर पे कहना है कि वाइब्रेटर जो है वो ख़राब हो चुका है, और ठेकेदार भी यहाँ पर नहीं है। तो एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, जो आप माल डाल रहे हैं क्या अंदाजे से डाल रहे हैं? नहीं नहीं ये 7-1 का चल रहा है। 7-1 का चल रहा है। और जो माल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये जखल से। अच्छा जी, आप देख सकते हैं साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ये काम है पूर्ण रूप से जारी है, दो दिन से जो है ठेकेदार का कुछ नहीं पता। इस ग्रामीण इलाके में कई सालों बाद लघु सिंचाई की करोड़ों रुपए की नहरें बन रही हैं, जिसमें ठेकेदार अपनी मनमर्जी से मानकों की अनदेखी करते हुए निर्माण कार्य करवा रहा है।
बड़ी बात यह है कि यदि सालों बाद बन रही नहरें भी सही ढंग से नहीं बनी तो ये जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और सरकार का करोड़ों रुपया भी पानी में नहरों के साथ ही बह जाएगा। इलाके के लोगों ने नहर निर्माण के काम की जांच की मांग की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।